देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6 10 a इज इक्वल टू 5। देन द वैल्यू ऑफ 8 sin a माइनस 4 cos a अपॉन cos a प्लस 2 sin a। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि वैल्यू लाइज कर रही है 0 to 90 degree। अब यहां पर हमारे पास 6 tan a इज इक्वल टू 5 है, तो यहां से टेन ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/6। और जो ये डाटा हमारे पास दिया गया है, अगर मैं इसको ऊपर और नीचे से कोस ए से डिवाइड कर देता हूं तो क्या बन जाता है, 8 sin a / cos a माइनस 4 cos a / cos a प्लस 2 sin a / cos a। cos a से cos a कैंसिल और sin a / cos a हमारा होता है 10 a, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 5/6। तो 8 × 5/6 माइनस 4/1 + 2 × 5/6। देखिए ये आएगा हमारे पास 40/6 - 4/1 + 10/6। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा 6 × 4 = 24, 40 - 24/6 अपॉन में 6 × 6 = 16/6, 6 से 6 कैंसिल, ये बचेगा 16/16, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से 40 में से 24 गए तो 16/16, दैट्स इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेस ए बॉल इन 12 सेकेंड एंड ए ब्रिज ऑफ लेंथ 1 cm इन 36 सेकेंड्स, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए जब कोई भी ट्रेन है वो पोल को, किसी पॉइंट को, या फिर कोई भी हमारे पास सिग्नल है या कोई ट्री है उसको वो पार करती है, क्रॉस करती है, इट मीन्स वो खुद की लेंथ को ही क्रॉस कर रही है। इट मीन्स 12 सेकेंड में वो खुद को क्रॉस कर रही है, ठीक है। एंड ए ब्रिज ऑफ 1 cm इन 36 सेकेंड। देखिए 1 cm का एक ब्रिज है, वो 36 सेकेंड में क्रॉस करती है। अब देखना कि सपोज करो ट्रेन जब ब्रिज के ऊपर से जा रही है तो ये ब्रिज है हमारा, ये ट्रेन है। जब इसको ये ट्रेन पार करेगी इस ब्रिज को, तो खुद ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों को पार करेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अगर ब्रिज को 36 सेकेंड में पार करती है और पोल को 12 सेकेंड में पार करती है, तो यानी कि एक चीज देखिए, जब खुद की लेंथ अगर ट्रेन की एल है, वो खुद को 12 सेकेंड में पार कर रही है, तो जो ब्रिज की लेंथ होगी वो कितनी होगी। देखिए इसको 36 में पार कर रही है, तो खुद को तो वो 12 सेकेंड में पार कर रही है, ब्रिज भी आ गया उसके अंदर, टोटल ले रही है 36 सेकेंड। इट मीन्स वो ब्रिज को पार करने के लिए जो ट्रेन है वो कितने सेकेंड ले रही है, 24 सेकेंड। अब 1 cm है उसकी लेंथ, तो 1 cm है, तो देखिए 24 सेकेंड में पार करती है 1 cm, 1 सेकेंड में करेगी अपॉन में 24। ये हमारे पास आई मीटर पर सेकेंड में लेंथ। लेकिन इसने पूछी है हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिए ये तो मीटर पर सेकेंड में, अगर किलोमीटर पर आवर में पूछे तो, किलोमीटर पर आवर में पूछे तो देखिए हमारे पास जैसे कि किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमें पता है, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकेंड होती है, 3600 सेकेंड। 2 0 से 2 0, 2 से 18 और 2 से 5/18। अगर किसी चीज को हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, किसी चीज को हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 cm / 24 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 6 × 18 = 24, 5 × 5 = 15, 5 × 20 = 2, 2 × 2 = 17,
17/51/2 किलोमीटर पर आवर, 51/2। देखो यहाँ पर ये 18 और ये 5 है, तो यहाँ पर ये 170 है और ये 24 है, तो 5 से करिया हमें 34 पे, और 3 6 या 18, और भाई 6 या 18 होने के बाद ये आ गया 6 6 24, और 2 से 2 और 2 से 17, 17/51/2। 51/2 किलोमीटर का मतलब है 25.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमें आंसर आ गया। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। देखिए बॉयज टू द गर्ल्स 5:3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज प्लस गर्ल्स आर 640, रेशियो है 5:3, तो मैं डिवाइड करूंगा 8 से, तो 8 से डिवाइड करूंगा आएगा 80, 85 40 एंड 83 240। ठीक, ये नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ बॉयज। अब कहता है इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 270, then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys to that girls becomes 14:9। इनका रेशियो हो जाए 14:9 कि हम कितने बॉयज इसके अंदर ऐड करें। देखिए अगर 9 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 30, इट मींस ये 30 पे कैंसिल हो रहा है, तो यहां भी हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, कितना आएगा 420, 400 से 420 आया, तो हाउ मेनी न्यू बॉयज आर एडमिटेड, 20 बॉयज, दिस इज द आंसर, कितने बॉयज, 20 बॉयज। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 40%, ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय 20%, प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज, देन फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया। देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए रेक्टेंगल की लेंथ 100 है, तो इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई वो 140, और हमारे पास मान लीजिए कि उसकी जो लेंथ है वो 100 थी, तो हमारे पास 140 हो गई, ब्रिथ भी हम मान लेते 100 है, तो वो डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 80 हो गई। हमारा ओरिजिनल एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रिथ, यानी कि 100 × 100 दैट्स इज इक्वल टू 10,000, और ये आफ्टर चेंज जो एरिया आएगा वो आएगा 14 क्वार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 112,000। देखिए तो 11,200, 10,000 से 11,200, तो 1200 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पर इंक्रीमेंट हुआ, 10,000 पर इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100, 20 से 20, 20 से 20, तो प्लस 12%, यानी कि 12% का इंक्रीमेंट। दूसरी चीज, मैंने फॉर्मूला भी बता रखा आपको, प्लस माइनस से, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100, प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज, तो 40% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आएगी माइनस, 40 × 20/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये होगा 40 − 20 − 4 = 8, कितना बचेगा 12%, प्लस का बचेगा इंक्रीज, माइनस का बचेगा तो डिक्रीज, आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए ट्रेन क्रॉसिस ए बॉल इन 12 सेकेंड एंड ए ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड्स, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए जब कोई भी ट्रेन है वो पोल को, किसी पॉइंट को, या फिर कोई भी हमारे पास सिग्नल है या कोई ट्री है, उसको वो पार करती है, क्रॉस करती है, इट मीन्स वो खुद की लेंथ को ही क्रॉस कर रही है, इट मीन्स 12 सेकेंड में वो खुद को क्रॉस कर रही है, ठीक है, एंड ए ब्रिज ऑफ 170 मीटर इन 36 सेकेंड। देखिए 170 मीटर का एक ब्रिज है, वो 36 सेकेंड में क्रॉस करती है। अब देखना कि सपोज करो ट्रेन जब ब्रिज के ऊपर से जा रही है, तो ये ब्रिज है हमारा, ये ट्रेन है,
जब इसको ये ट्रेन पार करेगी इस ब्रिज को, तो खुद ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों को पार करेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अगर ब्रिज को 36 सेकंड में पार करती है और पोल को 12 सेकंड में पार करती है, तो यानी कि एक चीज देखिए, जब खुद की लेंथ अगर ट्रेन की एल है, वो खुद को 12 सेकंड में पार कर रही है, तो जो ब्रिज की लेंथ होगी वो कितनी होगी। देखिए, इसको 36 में पार कर रही है, तो खुद को तो वो 12 सेकंड में पार कर रही है, ब्रिज भी आ गया उसके अंदर, टोटल ले रही है 36 सेकंड। इट मीन्स वो ब्रिज को पार करने के लिए जो ट्रेन है वो कितने सेकंड ले रही है, 24 सेकंड। अब 170 मीटर है उसकी लेंथ, तो 170 मीटर है, तो देखिए 24 सेकंड में पार करती है 170 मीटर, एक सेकंड में करेगी अपॉन में 24, ये हमारे पास आई मीटर पर सेकंड में लेंथ। लेकिन इसने पूछी है हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिए, ये तो मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर पर आवर में पूछे तो, किलोमीटर पर आवर में पूछे तो देखिए हमारे पास, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमें पता है, 1000 मीटर, और एक आवर में कितने सेकंड होती है, 3600 सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 18 और 2 से 5/18। अगर किसी चीज को हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, किसी चीज को हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 170/24 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 6 × 18, 6 × 24, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 20, 2 से 2, 2 से 17, 17 × 51/2 किलोमीटर पर आवर, 51/2। देखो यहाँ पर ये 18 और ये 5 है, तो यहाँ पर ये 170 है और ये 24 है, तो 5 से करिया हमें 34 पे, और 3 × 6 = 18, और भाई 6 × 18 होने के बाद ये आ गया 6 × 24, और 2 से 2, 2 से 17, 17 × 51/2, 51/2 किलोमीटर का मतलब है 25.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है।